दोस्तों, एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई विशेष जमाना उनके नाम रहे या फिर उनके नाम का डंका हमेशा बजता रहे। वैसे तो थिएटर ने फिल्म जगत को बहुत अजरामर कलाकार दिए हैं, पर एक कलाकार ऐसा भी आया जिसने टाइपकास्ट वाले किरदार में भी जान भर दी और उस किरदार को अमर बना दिया। चाहे वो दीवार फिल्म वाले अमिताभ बच्चन का बाप हो या फिर शोले फिल्म वाले संजीव कुमार के सर्वेंट, अद्भुत आवाज और प्रतिभाशाली कलाकारी के कारण हमेशा आदरणीय रहने वाले सत्येन कप्पू का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। पर फिर भी हम आज उनके यादों के सफर में गुजरने वाले हैं। मैं हूँ रुषिता और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। देखो, कौन रुपया कर्ज नहीं देते, कौन तिजारत करते, मगर हम तुम्हारा मदद करता। तुम मेरी मदद करो, काम करो। वो तुम क्यों खर्चा करना फिक्र होते हो? और जो कितने रुपये बता रहे? बोल। 40 रुपया दे दो खान साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि नौकरी मिलती है तुम्हारी पाई पाई अदा कर दूंगा। 30 रुपया बहुत है। 30 रुपया तो उसके किराए में चला जाएगा खान साहब। अच्छा, अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? मनोज मुखर्जी। अच्छा, वो हम इस महीने के पीछे आ जाएगा, हमारा रकम तुम वापस कर दो। खान साहब, तुमने रुपया देकर हमारी जिंदगी बचा ली। वो झूठा बात मत बोलो, वो जिंदगी बचाने वाला बुरा बोल इज्जत है। जो वो पैसे दे जाओ उसको, जो जो सत्येंद्र शर्मा जी छोटे थे तब परिजन प्यार से उन्हें कप्पू पुकारते थे। आगे चलकर उन्होंने अपना नाम बदलकर सत्येन कप्पू कर लिया। सत्येन जी का जन्म रीतिवादी परिवार में 7 फरवरी 1931 को हुआ था। उनके परिवार का ताल्लुक हरियाणा के पानीपत से था, पर कप्पू का जन्म मुंबई में हुआ। कहा जाता है कि उनके पिताजी बुद्धिसेन शर्मा का मुंबई में आइसक्रीम की फैक्ट्री हुआ करती थी। उस फैक्ट्री का नाम था डिलाइट कुल्फी। पर कहा जाता है कि उनके परिवार का आलिशान जिंदगी का अंत कप्पू के जन्म के बाद हुआ, क्योंकि माता पिता के गुजर जाने के बाद कप्पू और उनके बड़े भाई राधेश्याम शर्मा अनाथ हो गए। इसी कारण से अन्य परिजनों ने कप्पू और राधेश्याम को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भेज दिया, जहाँ से पानीपत काफी नजदीक था। माता पिता के गुजरने के बाद कप्पू और राधेश्याम को पालने वाला भी कोई नहीं था। इसी कारण से आमदनी भी टूट चुकी थी। इसको देखते हुए दूर के रिश्तेदारों ने कप्पू को कुरुक्षेत्र के संस्कृत विद्यालय में भेज दिया, जहां उनके रहने की व्यवस्था भी की गई। संस्कृत भाषा में पढ़ाई करते हुए उनका झुकाव नाटकों में भी होने लगा। विद्यालय द्वारा सालाना जलसा हुआ करता था, जिसमें महाभारत और रामायण के कथाओं का नाटकीय प्रदर्शन होता था, वो भी संस्कृत भाषा में। इन नाटकों को देखकर कप्पू को एहसास होने लगा कि उनमें भी अभिनय की प्रतिभा है। एक इंटरव्यू में कप्पू बताते हैं कि पढ़ाई के बाद वे पानीपत आ गए, जहां 2 साल तक उन्होंने रामलीला और जन्माष्टमी के नाटकों में सहभाग लिया। इनमें वे माता सीता और राधा का किरदार निभाते थे। इसके बाद किसी ने उन्हें कहा कि आप मुंबई चले जाओ। मुंबई आकर कप्पू ने पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर में कई सारे शोज देखे, जिससे उन्हें एक्टिंग की बारीकियां समझ आने लगी, जिसके बाद उन्हें पता चला कि यहाँ थिएटर एक्टर्स का एसोसिएशन है और वैसे भी उन्हें थिएटर में ही काम करना था। इसी वजह से 1953 में उन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की मेंबरशिप ली और यहीं से उनके अभिनय जीवन की शुरुआत हुई। इप्टा में आने का असली मकसद ये भी था कि उन्हें थिएटर सीने से लगा के रखना था। पृथ्वी थिएटर में दीवार और पठान इन नाटकों के कारण उन्हें थिएटर की अहमियत समझ आई। इप्टा में हिंदी के अलावा मराठी नाटकों में भी कप्पू सहभाग लेते थे। कहा जाता है कि उनके ज्यादातर नाटक मराठी में हुए हैं। नाटकों में काम करते हुए उन्हें बतौर जूनियर आर्टिस्ट फिल्में मिली। 1961 में रिलीज हुए काबुलीवाला में भी कप्पू जी दिखे, क्योंकि बिमल रॉय ने उन्हें सबसे पहले मौका दिया था, इसलिए वे उनके आजीवन आभारी रहे। करीब करीब 10 साल तक कप्पू जी ने छोटे छोटे किरदार निभाए, पर उन्होंने ज्यादातर समय थिएटर को ही दिया। एक इंटरव्यू में कप्पू जी बताते हैं कि उन्हें कैमरे का ज्ञान नहीं था। बहुत बार टेक लेने के बाद एक शॉट फाइनल किया जाता था
और थिएटर में ऐसा होता था कि 100-200 दर्शक बैठे होते हैं और उनके सामने जो फर्स्ट टेक होता था वही फाइनल टेक माना जाता था, तो इसी कारण से गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती थी। फिल्मों के प्रति उनका करियर 10 साल के बाद यानी 1971 में चलने लगा, जब प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार पीएल देशपांडे द्वारा लिखा हुआ मराठी नाटक का हिंदी में प्रदर्शन हो रहा था। दर्शक गण में जाने माने फिल्मकार बैठे थे। सत्येन कप्पू ने इस नाटक में कमाल का अभिनय किया, जिससे बैठे हुए 3 फिल्मकार बहुत खुश हुए। उस दिन कप्पू को लगातार 3 फिल्मों का ऑफर मिला, नरेंद्र बेदी की जवानी दीवानी, शक्ति सामंता की कटी पतंग और रमेश सिप्पी की सीता गीता। इन फिल्मों का ऑफर मिलने के बाद सही मायने में सत्येन कप्पू का फिल्मी जीवन शुरू हुआ। 1972 में जवानी दीवानी के रिलीज के बाद सत्येन कप्पू की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि हर 3 फिल्मों के बाद उनकी कोई फिल्म जरूर रिलीज होती थी। अपने जमाने के महान अभिनेता अशोक कुमार के वे फैन हुआ करते थे, इसलिए उनके किरदार में अशोक कुमार की झलक मिलती है। अमिताभ बच्चन की कुली फिल्म के शूटिंग के दौरान एक शॉट में उन्हें नदी में डूबकर मर जाने की एक्टिंग करनी थी। सत्येन कप्पू ने बखूबी से ये शॉट पूरा किया, पर खबर आई कि जहाँ सत्येन कप्पू का शरीर तैर रहा था वहाँ का पानी बहुत गहरा था। अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो सत्येन कप्पू की जान चली जाती, पर सौभाग्य से खतरा टल गया। कप्पू जी ने अपने जीवन में हर प्रकार के किरदार को अंजाम दिया, उनमें बाप, बड़े भैया, विलेन, कॉमेडियन, मजदूर, गरीब, अमीर, इन सभी किरदारों का समावेश है। पर 1975 में रिलीज हुई शोले फिल्म में रामलाल की भूमिका आज भी प्रसिद्ध है। डॉन, दीवार, संतान और काला पत्थर में भी सत्येन कप्पू ने लाजवाब अभिनय किया था। करीब करीब 400 फिल्मों में काम कर चुके सत्येन कप्पू को आपने राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी, मराठी, अवधी फिल्मों में भी देखा होगा। अपने जीवन में एक जैसे किरदार निभाते हुए उन्होंने उन फिल्मों में भी काम किया जिसमें वे जीवन और कन्हैया लाल जैसी एक्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं। 1975 की धर्मात्मा फिल्म में उनका किरदार उसी बात को दर्शाता है। ऐसे ही मजेदार और सामान्य इंसान के किरदार से उन्हें प्रसिद्धि के सितारे देखने को मिले। उनके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो पता चलता है कि उनकी शादी 1951 में कैलाशवती के साथ हुई थी, जिनसे उन्हें 4 बेटियां भी हुई। उनके बेटियों के नाम है उमा, विनीता, तृप्ति और दीप्ति। इनमें से तृप्ति टीवी धारावाहिकों में लेखिका का काम करती है, पर जैसे कि विधि का विधान है कि आए हुए हर इंसान को जाना पड़ता है, अपने जीवन की हर सांस फिल्म जगत और थिएटर को देने वाले सत्येन कप्पू का देहांत 27 अक्टूबर 2007 में हो गया। उस वक्त वे 76 साल के थे। और आपको बता दूं कि उनके देहांत के एक साल पहले ही उनकी आखिरी फिल्म सरहद पार रिलीज हुई थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।